हे भगवान, इसके माँ बाप तो चले गए और इस गूंगी लड़की को मेरे मत्थे छोड़ गए। अब तुझे यही रहना है और ध्यान से सुन ले, काम धाम भी तुझे ही करना होगा। आगे बात समझ में? हाँ, आता है सब काम करना? ठीक है, चल जा। अब झाड़ू वाड़ू निकाल ले, रसोई में बर्तन पड़े होंगे वो माँज ले, ठीक है? चलो अच्छा है, ये भी अच्छा आइडिया है। जो नौकरानी लग रही थी उसको तो मैं हटा दूंगी और इसी से काम करवा लूंगी। इसको सब आता है, इसी गांव से आई है ये लड़की तो। हाँ, ये सही रहेगा तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। पॉकेट के पैसे क्यों लगाऊं मैं? हे भगवान, लड़की सुन, आज के बाद मुझसे बिना पूछे किसी भी खाने पीने की चीज के हाथ मत लगाना। यहाँ पे तुझे ज्यादा खाने को मिल गया तो आते ही खाने लगी। कितना मुंह चलता है इस लड़की का। और काम, ये काम कौन करेगा रसोई का? चल इसको कर, उसके बाद ही तुझे खाने को मिलेगा। मेरी बात सुन, इसमें लिस्ट में सब सामान लिखे हुए हैं और इसमें पैसे भी रखे हुए हैं। दुकान पर जाना और उसको दे देना, वो तुम्हें सारे सामान दे देगा। और सामान लेके आ जाना सीधी घर पर, ठीक है? जाओ। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम कैसे रो रही हो? क्या हुआ, तुम रास्ता भूल गई हो? अरे एक काम करता हूँ, इसको ले चलता हूँ ताकि इससे भीख मांग सकूँ। चलो बेटा मेरे साथ चलो। ए लड़की, यहाँ पे बैठी रहना इन बच्चों के साथ। ज्यादा नाटक करा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं आता हूँ अभी। लड़की भी ना, अरे बेटा, तुम्हारी आवाज क्या? चलो बेटा घर चलते हैं, फिर मैं पुलिस में कंप्लेन कराऊंगा। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने गलत व्यवहार करा तब भी? हाँ, और मुझे इसने सब कुछ बता दिया है कि तुमने इसके साथ क्या-क्या गलत किया। ऐसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इसके साथ इतना गलत करोगी। वो तो सही हुआ कि एंड टाइम पे इसको मैं मिल गया, नहीं तो ये जाने कहाँ जाते बच्चे। बेटा मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। अरे मामी जी, आप माफी क्यों मांग रही है? लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, मेरी आवाज आ गई। हाँ बेटा, अब आज से मैं तुम्हें मेरी सगी बेटी की तरह रखूंगी, है ना? और इन दोनों बच्चों को भी हम पुलिस से बात कर इनके घर सही सलामत पहुंचा देंगे। ओके मैम, ये शिक्षा मिलती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं।